नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज जैसे आप देख सकती हैं, हमारे पास है Realme की ईयरबड्स, इसको Realme बड्स भी बोलते हैं। तो दोस्तों, ये Realme का एक ओरिजिनल प्रोडक्ट है जो कि हमने ऑर्डर किया है अमेजन से। तो हमने इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे देखे थे, तो देखते हैं कि इसकी अनबॉक्सिंग कैसी है और क्या क्या अच्छे फीचर्स है इसमें और क्या इसकी स्पेशलिटीज़ है। तो दोस्तों, जो ये हमारी ईयरफोन है, ये ब्लैक कलर में है वैसे तो, बट जैसा आप देख सकते हैं इसके पैकिंग पर भी येलो कलर का कॉम्बिनेशन है एक, तो येलो कलर इसमें अलग से दिख जाएगा। तो देखिए, ये कुछ हमारी ईयरफोन से काफ़ी स्टाइलिश सी नज़र आ रही हैं, और इस पर जैसे बैजिंग देख सकते हैं आप, प्राउड टू बी यंग। और यहाँ पर आई होप आप देख पा रहे होंगे, मैं थोड़ा कैमरा एडजस्ट करता हूँ, यहाँ पर रियलमी की बैजिंग दिख रही है। दोनों ईयरफोन्स पर रियलमी की बैजिंग दिख रही है, काफ़ी स्टाइलिश लग रहा है ये। इसको जैसे टेढ़ा करते हैं, लाइट इस पर आती है तो ये थोड़ा चमक रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ये भी। और जैसे बॉक्स पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ईयरबड बनी हुई है, यहाँ पर एक यूज़र मैनुअल बनी हुई है। तो इस बॉक्स के अंदर एक ईयरबड्स भी मिलेंगी हमें एक्स्ट्रा और यूज़र मैनुअल भी। चलिए एक बार इसको खोल के देखते हैं, तो जल्दी से देख लेते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या है। ये एक यूज़र मैनुअल है जिसमें कि इसके बारे में बताया हुआ है। यहाँ पर इसके कंट्रोल्स के बारे में है, तो यहाँ पर 3 बटन कंट्रोल है जिसमें माइक्रोफोन है, वॉल्यूम प्लस माइनस का, और यहाँ पर म्यूज़िक कंट्रोल के लिए भी यहाँ पर काफ़ी दिए गए हैं। तो इनबॉक्स हमारे हेडफोन्स, ईयर टिप्स, और यहाँ पर हमारी यूज़र गाइड, वारंटी कार्ड भी है। तो वारंटी कार्ड आपको बॉक्स के साथ मिलता है, तो इसको बाद में देखेंगे। चलिए चलते हैं अपने ईयरफोन्स पर। तो काफ़ी अच्छी पैकिंग हमको यहाँ पर देखने को मिलती है इसके अंदर, तो चलिए इसको एक बार देखते हैं। तो देखिए, ये टिप के ऊपर भी कवरिंग दी गई है, काफ़ी अच्छा है ये भी। और यहाँ पर एक बार जल्दी से इसको खोल लेते हैं। तो देखिए, कुछ ऐसा है दिखने में इसका स्टाइल। तो ये थोड़ा सा एंगल पर है इसकी टिप, अगर आप देख पा रहे हो तो इस टिप पर थोड़ा एंगल है, अप्रोक्सीमेटली ये 35 to 40 degree के एंगल पर है, जो कि ईयर्स में फिटिंग इसकी काफ़ी अच्छी आएगी। और यहाँ पर इसकी रियलमी की बैजिंग है जो काफ़ी अच्छी लग रही है। और यहाँ पर जो ये येलो कलर है, ये भी काफ़ी ब्राइट है, जो हमारी इन ईयर बड है, और यहाँ पर इसका येलो कलर काफ़ी ब्राइट है। तो डिज़ाइन तो हमें काफ़ी अच्छा लगा इसका। और यहाँ पर देखिए एक चीज़, और ये मैग्नेटिक है यहाँ पर, तो इसका भी काफ़ी बेनिफिट है, और इसकी हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर एक बार देखते हैं इसका बटन कंट्रोल्स कैसे हैं। यहाँ पर ये 3 बटन कंट्रोल है, ये वॉल्यूम प्लस के लिए, ये माइनस के लिए, ये म्यूज़िक प्ले एंड पॉज बटन। यहाँ पर कॉल को भी आप हैंडल कर सकते हो। तो इसका सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट मेरे को क्या लगता है, इसकी वायर क्वालिटी। आप अगर देख पा रहे हो तो ये वायर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी, और ये नॉर्मल किसी रबड़ की वायर नहीं है, ये केवलर फाइबर की वायर है। और दोस्तों, जो एक चीज़ इसको स्पेशल बनाती है, यहाँ पर इसके टिप पर भी एक सपोर्ट दिया हुआ है, जिससे कि इसकी मूवमेंट काफ़ी इजी हो जाती है, और यहाँ से इस ईयरफोन को कोई भी डैमेज नहीं होता है। तो इसका वायर की जो मटेरियल क्वालिटी है, वो काफ़ी प्रीमियम दिख रही है मेरे को, जिससे कि इसके टूटने का कोई भी डर नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक ये जॉइंट मिल जाता है, और यहाँ पर भी एक माइक्रोफोन है, एंड इसके कंट्रोल बटन के अंदर भी आपको एक माइक्रोफोन मिल जाता है। तो दोस्तों, मैंने ये एक बार टेस्ट करके देखी है, और इसके माइक्रोफोन की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आ रही है। तो दोस्तों, ऑल ओवर जो इसकी रेटिंग देना चाहेंगे हम, 5 में से 4.5 स्टार देना चाहेंगे। तो काफ़ी अच्छी ईयरफोन्स हैं ये, और बजट के अंदर भी काफ़ी अच्छी ईयरफोन्स हैं ये, अंडर 400 काफ़ी अच्छी ईयरफोन्स हम मानते हैं इनको। और चलिए, इसके साथ ये हमारे पास दिखाई गई हैं जो ईयर टिप्स होती हैं, काफ़ी सॉफ्ट हैं, और ये 2 पेयर ऑफ ईयर टॉप्स हमारे को इस बॉक्स के अंदर मिलती हैं, जो इसकी अपने कान के साइज़ के हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके ईयरबड भी काफ़ी सॉफ्ट हैं, तो आपके लिए कम्फर्टेबल काफ़ी रहने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।